हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड ट्रेडे गाइड। सो गाइस, आज हमने देखा कि मार्केट ने एक बहुत अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। जो भी हमारी बैंक निफ्टी की रेंज थी, उस रेंज को उसने तोड़ दिया था, और जो निफ्टी की रेंज थी बिल्कुल उस रेंज पे जाके ही उसने अपना सपोर्ट लिया, और वहां से जाके उसने एक अपमूव दिया। सो गाइस, आज मार्केट के गिरने का रीजन क्या थे? आज आरबीआई की पॉलिसी भी थी, इंटरेस्ट रेट्स में कोई भी चेंज नहीं आया, और एसएलआर में 0.25 बेसिस पॉइंट की डिक्रीज आई है। जो आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल का कहना है कि जो मार्केट में लिक्विडिटी है उसे बढ़ाने के लिए उन्होंने एसएलआर को कम करा, और उससे एमएसएमई और एनबीएफसी को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। उसको इंक्रीज करने के लिए, वहां की लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए उन लोगों ने एसएलआर को कम करा, और वो 6 मंथ तक, आने वाले 6 महीने तक वो सस्टेन रहेगी, रिमेन रहेगी, और उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो गाइस, आज के मार्केट के गिरने का रीजन 2 कारण थे, जिसमें एक यूएस मार्केट इन्वॉल्व थी और आरबीआई की पॉलिसीज थी, जो मार्केट या हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी नहीं लगी, उनकी कमेंट्री बहुत अच्छी नहीं लगी। सो गाइस, आरबीआई की जो पॉलिसी अभी आई है उस पर पूरी डिटेल में आपके साथ वीडियो कल लेकर आऊंगा, और उसमें पूरी डिटेल के साथ हम बात करेंगे, ए टू जेड समझाएंगे कि कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो सेक्टर्स को इफेक्ट कर सकते हैं, और कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है, और क्या क्या रीजंस थे। सो गाइस, आज हमने आपको, मैंने अपनी कल की वीडियो में ही बता दिया था कि हमारी मार्केट को, एनबीएफसी को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है इससे, अगर अनरेट अनचेंज आता है और अगर एसएलआर थोड़ा डिक्रीज होता है। सो गाइज, मैंने आपको बताया था कि 3-4 दिन से एनबीएफसी बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं, तो शायद मार्केट में जब ये न्यूज आएगी तो प्रॉफिट बुकिंग हम एनबीएफसी में देख सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने देखा था कि बजाज फाइनेंस, डीएचएफएल और भी फाइनेंस कंपनीज जो थी उसमें हमने प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी, और उसमें हमने गिरावट आते हुए देखी। सो गाइज, शायद अब हो सकता है कि ये लोग अपनी एक फ्रेश पोजिशन बनाना शुरू करें, और जिस तरीके से हमने देखा था ओपन मार्केट ऑपरेशन से आरबीआई ने 10,000 करोड़ रुपीज मार्केट के अंदर इन्फ्यूज करे थे, तो वो भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है मार्केट के अंदर। गाइस, एक न्यूज मैंने आज और सुनी है, वो अभी न्यूज पूरी फाइनल नहीं हुई है, वो बस एक बात चल रही है। तो वो बात ये चल रही है कि विजय माल्या ने कह दिया है कि मैं अपनी 100% जो मैंने लोन लिया था इंडिया से, जो भी बैंक से लिया था, वो मैं 100% पे करने के लिए तैयार हूँ, पर जो उसमें ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट होगा, वो मैं बिल्कुल भी पे नहीं करूँगा। गाइस, अगर ये बात सही निकलती है और अगर इस बात में हमारी इंडिया रेडी हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो लोन लिया है 1800 करोड़ का या समथिंग कुछ ज़्यादा का करोड़ का एसबीआई से लोन लिया है, तो एसबीआई को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। उसके बाद गाइस पीएनबी को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है, तो वो न्यूज़ का आने का हम वेट ज़रूर करेंगे कि वो न्यूज़ जैसी फाइनलाइज होती है तो हम उसमें ट्रेड लेके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सके। सो गाइस, हमने देखा था कि फेड इंटरेस्ट रेट्स बोल रही थी कि हम अगले साल भी के स्टार्टिंग में ही अपना एक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, और दिसंबर में जब अभी फेड की मीटिंग है तो उसमें भी हम अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। तो उस फियर की वजह से हमने देखा था कि जो बॉन्ड यील्ड्स थे यूएस की, वो बहुत ज्यादा गिर गए, और उसकी वजह से यूएस मार्केट जो डॉ जोन्स थी वो 700 पॉइंट्स तक डिक्रीज कर गई थी, और वो एक और रीजन था जिसकी वजह से आज हमारी मार्केट भी गिरी थी। सो गाइज, ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से हमारी मार्केट गिरी, पर निफ्टी का जो मैंने आपको रेंज बताई थी वो उस रेंज पे जाके उसने अपना लो मारा, और उसके बाद हमने एक अपमूव आते हुए देखी थी। सो आज वापस हम अपनी निफ्टी, बैंक निफ्टी की चार्ट की स्टडी करेंगे, और साइड बाई साइड में आपको एनएमडीसी और मैकडोवल्स की भी चार्ट की स्टडी करके दिखाऊंगा, जो मैंने आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजीज दी थी दिसंबर की एक्सपायरी के होल्ड के लिए, तो अब वो राइट टाइम है हमें बाय करने के लिए, तो वो आपको मैं चार्ट्स में दिखाऊंगा कि कहां सपोर्ट बन गया, अब हमें इस सपोर्ट से बाय करके चलना है। सो गाइस, कल के जो स्टॉक्स हैं उसकी हम तैयारी करते हैं, कौन से स्टॉक्स कल हमें फायदा दे सकते हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। रिलायंस, भारत फोर्ज, कावेरी सीड्स, स्कॉट्स और डीएचएफएल। रिलायंस अब हम बाय करने की सलाह देंगे, जिस तरीके से देखा था रिलायंस ने बहुत अच्छी मूव दे रही थी, जिस तरीके से मार्केट हमारी बहुत टाइम से बढ़ रही थी, पर रिलायंस में अब हम देख रहे हैं कि एक फॉल आ रही है, पर एक सपोर्ट के पास आज इसने अपनी एक लो मारा, जो आज रिलायंस का लो था वो बिल्कुल उसने सपोर्ट पे जाके अपना लो मारा। उसके बाद से हम देख रहे थे कि मार्केट तो गिर रही थी पर रिलायंस नहीं ज्यादा गिर रहा था, और वो एक पॉजिटिव वे पे ही उसने अपनी क्लोजिंग दी है। सो गाइस, एक हम रिलायंस में कल एक बाउंस बैक आते हुए देख सकते हैं, तो रिलायंस को बाय करने की सलाह 1161 1168 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 1146 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। भारत फोर्ज सेल करने की सलाह दी जाएगी, जिस तरीके से हमने देखा था कि भारत फोर्ज में आज बहुत ज्यादा ही फॉल आ गया था, और 5531 का उसने लो मार दिया था, 560 जो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो 550 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसे भी इसने ब्रेक कर दिया था। सो गाइस, कल ये जब मार्केट में खुलता है और अगर आपको 537 539 के आसपास मिलता है तो इसे वहां पर बेचिए, 531 523 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 545 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा।
कावेरी सीड्स सेल करने की सलाह दी जाएगी 510, 507 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 521 का मेंटेन करके रखना है। स्कॉट्स बाय करने की सलाह दी जाएगी। जिस तरीके से देख रहे हैं हम, 3 दिन तक मार्केट में फॉल आई है, तो अब हमें एक रेगुलर पैटर्न देख सकते हैं कि अगर आपको किसी स्टॉक्स के बारे में चार्ट की स्टडी करनी है तो आपको एक रेगुलर सिमिलर पैटर्न दिखेगा कि अगर 3 दिन मार्केट ऊपर जाती है तो उसके बाद हम एक शॉर्ट टाइम के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए एक मार्केट में फॉल हम आते हुए देखते हैं या वो फिर साइडवेज चले जाता है। तो वही स्कॉट्स के साथ भी हुआ है। तो हमने देखा है कि 3 दिन से इसमें एक फॉल आ रहा है और अब हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आके खड़ा हो गया है। तो शायद वहां से एक बाउंस आ सकता है रिलायंस की तरफ से। इसे बाय करने की सलाह दी जाएगी 664, 671 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 644 का मेंटेन करके चलना है। DHFL, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि NBFC कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, सबसे ज्यादा फायदा ना हो पर लिक्विडिटी, जिस तरीके से RBI बोल रही है कि हम मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, और DHFL भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है NBFC का और उसमें भी हमें गिरावट आते हुए देख चुके हैं, तो अब ये भी एक बाउंस कर सकता है। तो बाय करने की सलाह दी जाएगी 214, 219 के टारगेट के साथ। 205 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दी जाएगी। निफ्टी का जो भी रेंज थी जो मैंने आपको बताई थी 10,740 की थी, 10,790 तक का था, तो अब रेंज मैंने अपनी थोड़ी कम कर ली है नीचे की ओर, 10,700 रख लिया। तो जिस तरीके से मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया था, अगर ये आपको 10,760 या 10,740 के बीच में मिलती है निफ्टी तो आपको उसे तुरंत बाय कर लेना। आप जितनी कॉल्स बाय कर सकते हैं, फ्यूचर बाय कर सकते हैं, बाय कर लेना। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना है 10,700 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा और इसे आप होल्ड कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आज हमने देखा कि 10,750 का इसने बिल्कुल एक लो मारा, और वो लो क्यों मारा, वो एक बीच में हम मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो बिल्कुल वही सपोर्ट लेके उसने एक बाउंस दिया है, तो वो भी अभी हम चार्ट्स की स्टडी करते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो जो बैंक निफ्टी की रेंज थी वो थी 26,580 की लोअर साइड में, पर वो एक जो रेंज थी उसने तोड़ दी है। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, जिस तरीके से RBI की ये ओपन मार्केट ऑपरेशन से पैसे आ रहे हैं, जो भी बैंकों में जो प्रॉब्लम चल रही है, तो बैंक्स थोड़ा बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं, तो उसकी वजह से मैंने रेंज थोड़ी कम करी है। हम कह नहीं सकते ये वीकेंड है, हमें इसे सेल करना चाहिए, पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ हम इसके पास जा रहे हैं जिससे ये एक बाउंस दे सकता है, तो हम चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 50-50 का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी हुई है जो आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, वहीं से ही इसने एक बाउंस दिया था, और वही इसका डबल बॉटम बनते हुए हमें देखने को मिल रहा था जो कि 10,000 का लेवल था। मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उस पे ही जाके इसने अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, जो उसने आज लो मारा एग्जैक्ट 650 एक्सपोनेंशियल मूविंग के ऊपर ही मारा। आप देख सकते हैं प्रीवियस अगर आप डाटा देखेंगे निफ्टी 50 का, तो वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नहीं क्रॉस कर पा रहा था और इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा था, पर जिस तरीके से मार्केट ने एक अपमूव दिखाई थी, हमने देखा था कि इसके ऊपर निकलने में ये कामयाब हो गया था और उसके बाद एक फॉलिंग पैटर्न हमें देखने को मिला था। अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 दिन की एक गिरावट आ चुकी है मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर, तो अब हम कह सकते हैं एक मार्केट वापस एक अपमूव ले सकती है। अगर आप इसका लो देखेंगे तो लो था 10,740 का, और मैंने आपको बताया था कि उसी पे आपको उसे बाय करके चलना है, तो मैंने भी इसकी कॉल ऑप्शन उठा ली है 11,000 रुपए की। अगर आपको उठाना चाहते हैं तो आप लोग भी 11,000 की कॉल ऑप्शन इसकी उठा सकते हैं, और आपको इस दिसंबर एक्सपायरी तक इसे होल्ड करके रखना है जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। गाइज, अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो ट्रेंड लाइन हमें दिखा रही है 11,000 के आसपास की, जो इसका एक रेंज बनती हुई दिख रही है हमें ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। तो अगर ये इस एक्सपायरी के अंदर अंदर इस रेंज को टेस्ट कर लेती है, तो जो हमारी 11,000 की जो कॉल अभी 100 रुपए में चल रही है, वो आपको 150 रुपए तक में भी मिल सकती है, आपको 250 रुपए में भी तक भी मिल सकती है। सो गाइस, इस कॉल ऑप्शन को आप जरूर बाय कर सकते हैं, जो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसी पे इसने लो मारा। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना होगा वो 10,700 पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी एक स्ट्रेट यही पैटर्न बनते हुए हमें देखने को मिल रहा था। इसकी अगर हम बात करते हैं तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग को इसने तोड़ा था, उसके ऊपर एक इसने ब्रेकआउट दिया था, और वहां से हमने देखा था कि इसमें एक अपमूव आई जा रही थी हर दिन, पर
पर अब इसका अगर हमें स्ट्रांग सपोर्ट तो हम कह नहीं सकते, पर अगर एक हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो वो उसका 26,400 के आसपास आ रहा है, जो इस बैंक निफ्टी को थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर सकता है, वहां से हमें एक बाउंस आते हुए देखने को मिल सकती है। सो गाइस, बैंक निफ्टी में चार्ट्स में अभी कोई एक सिमिलर कुछ पैटर्न हमें शो नहीं कर रहा, तो मैं आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा। अब हम बढ़ते हैं एनएमडीसी के बारे में। सो गाइस, एनएमडीसी के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि एनएमडीसी में 7th मंथ में इस साल के अंदर इसने जो ये लो मारा था 93 का, उसके बाद से हमने एक अपमूव आते हुए देखी थी, और उसके बाद अगर हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाएंगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू जो इसने पिछले महीने ही अपना लो मारा है वो भी 93.80 का मारा, उसके बाद हमने देखा 3 दिन इसमें एक बहुत अच्छी अपमूव आई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसने 3 दिन की एक अच्छी खासी अपमूव आई थी और ये 98 तक भी चला गया था, यानी कि 5 पॉइंट का इसने प्रॉफिट दे दिया था, और इसका जो लॉट साइज है वो 6,000 का लॉट साइज है, यानी कि 30,000 तक का प्रॉफिट ये दे चुका था। उसके बाद अगर जिस लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हुई होगी इसे बाय करने के लिए, तो आज इसने अपॉर्चुनिटी दी है अपनी बाय करने के लिए। मैं अभी आपको नहीं कह रहा कि अभी इसे आपको बाय करना है, क्योंकि जो इसका लॉन्ग टर्म डबल बॉटम बनने की इसमें जो फॉर्मेशन हो रहा था वो आज इसने तोड़ दिया। हम देख सकते हैं कि डबल बॉटम जो इसका 93 पे बन रहा था, आज उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है। गाइज, अगर ये इसके ऊपर कल निकलता है 93 के ऊपर और क्लोजिंग दे देता है, तो ही हम इसे अगले नेक्स्ट डे मार्केट में बाय करके चलेंगे, वरना हम इसे बाय नहीं करेंगे। और ये मेरे पास भी होल्डिंग में है, अगर ये इसको वापस रीटेस्ट नहीं कर पाता 93 के लेवल को, तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। अगर हम मैकडोवल्स की बात करते हैं, तो मैकडोवल्स में आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी इसे बाय मत करिए, एक रेंज आने दीजिए। वो रेंज आज आ चुकी है, जो इसने लो मारा है वो एक लो आ चुका है। आप देख सकते हैं ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाए जा रहा है, ना अपने टॉप को क्रॉस कर रहा है, अपने बॉटम को तोड़े ही जा रहा है। 3 टाइम आप देख चुके हैं, पर उसके बाद हमने देखा कि इसने अपने टॉप को क्रॉस करा, और क्रॉस करने के बाद हमने इसे बिल्कुल सेम टाइम पे इस ट्रेंड लाइन के पास इसने आज अपनी क्लोजिंग दिया, सपोर्ट लिया है 642 या 640 के पास इसने अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, जो इसका प्रीवियस हाई था। सो गाइज, अगर ये इसे सपोर्ट की तरफ कंट्रोल कर लेता और इसके नीचे नहीं जाता, 640 के लेवल के नीचे नहीं जाता मैकडॉवल्स, तो ये आपको 700 की कॉल बाय करके चलनी होगी इसकी, और इस मंथ के एक्सपायरी के अंदर अंदर ही आपको 700 का टारगेट अचीव होते हुए दिख जाएगा, अगर ये इस सपोर्ट को होल्ड करे रखता है या इस ट्रेंड लाइन को मेंटेन करके रखता है। सो गाइज, ये आपको मैंने चार्ट पैटर्न दिखा दिए हैं। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आरबीआई की पूरी डिटेल्ड वीडियो मैं आपके साथ आज रात को, यानी कि फिर कल शेयर कर सकता हूँ, पूरी डिटेल वीडियो आपके साथ आएगी, और उसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में सारी बताइएगा कि आपको कौन से नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं आरबीआई के जो भी पॉलिसी आई है, या पॉजिटिव पॉइंट्स लगते हैं उससे कौन से सेक्टर उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। और गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा के, जिससे आपको मेरी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की आने की। सो गाइज, मैं आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।